डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री जी ने अभी भी इस आरोप के बचाव में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही है, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह आरोप भी तर्कसंगत है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। आदिवासियों और हरिजनों पर हुए अत्याचारों ने कितना भयंकर रूप धारण किया है, यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिंदा जलाया गया है और उनके घरों में आग लगा दी गई है। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था या उन्हें इस प्रकार से अपमानित किया गया। इनमें मारपीट, बलात्कार आदि भी शामिल हो सकते हैं। वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई है। क्या इसके बाद भी हरिजन पर अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? वक्तव्य में यह बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए, परंतु यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही है। बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अकेले मध्य प्रदेश में 40 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं कर सकी। ऐसी सूरत में अत्याचार करने वालों का उत्साह बढ़ेगा तथा लोगों का प्रशासन से विश्वास खत्म हो जाएगा। इस बिल में एक बात कही गई है कि जो पैसा बाहर से गलत तरीके से हमारे देश में आता है, उसके ऊपर रोक होनी चाहिए। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर बाहर से धन लिया जाता है तो इसकी सूचना भी तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। ऐसे धन को लेने वाले आदमी के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि उस रकम का पूरी तरह से हिसाब रखा जाए और एक साल के बाद उस रकम का पूरा हिसाब सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना पैसा बाहर से आया और किस तरह से काम में लाया गया। सदन में इस पर बहुत बार बहस हो चुकी है। एक बार माननीय महोदय ने कहा था कि एक बिल सदन में लाया जाएगा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल नहीं लाया गया है। आज अगर कोई यह कहे कि यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है, तो उस पर आज मुकदमा नहीं चल सकता। आज ऐसे कानून की कमी है जो इस चीज पर रोक लगा सकते हो। पैसा आज अमेरिका से आता है, पैसा आज चीन से और पाकिस्तान से भी आता है। इस तरह का कितना धन देश में फैला है, अगर इसकी ओर ध्यान दिया जाता है तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आ जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। किसी मुल्क की सेना हमारी सीमा पर हमला न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की चिंता हमारी सरकार नहीं कर रही है।
आपको पता है कि पैसा देकर लोगों को गुमराह किया जाता है और उनसे गलत काम करवाया जाता है। इस स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि तत्काल सरकार को इस मामले में कारगर कदम उठाकर देश को बचाना चाहिए। इसी तरह से मुल्क की आज़ादी को कायम रखा जा सकता है। मुझे आशा है कि इस संबंध में मैंने जो बातें कही है और अन्य सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं उन पर सरकार पूरा ध्यान देगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि सभी समस्याओं का समाधान निकल सके। सब जगह विदेशी पैसों के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक दल की नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की समस्या है। अंततः इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमान जी, इस नए विश्वसूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसको कानून का रूप भी दिया जाएगा तथा इससे काफ़ी हद तक समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। जब देश में अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे होंगे तभी वे देश की प्रगति में अपना सक्रिय योगदान दे सकने में सफल होंगे। समाप्त।